तारीख 28 नवंबर दोपहर के 12 बजने को थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया जनपद में 200 करोड़ की लागत से बनने वाली 412 परियोजनाओं के उद्घाटन में शामिल हो रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के लगभग 21 लाख युवा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे थे। इसी बीच दोपहर से पहले सभी परीक्षा केंद्रों पर अचानक हलचल होती है और अभ्यर्थियों को यह बताकर पर्चा और कॉपी जमा करवा लिया जाता है कि आपका पेपर लीक हो चुका है। इस घटनाक्रम के बाद अभ्यर्थियों के माथे पर चिंता की लकीरें और मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से टीटी पेपर रद्द होने के कारणों के बारे में बयानबाजी होने लगी कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से बच्चों को। फिर होना क्या था, रोजगार के लिए दर दर भटकने वाले युवा धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन साल दर साल मेहनत करने वाले एक सुनहरे भविष्य की आस में पेपर देने आए युवाओं का जब पेपर लीक हो गया, इस पर क्या कुछ कहा आप भी सुने। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हमारा नाम विमलेश कुमार है, मैं सीतापुर से ही हूँ। हमारा ये कहना है कि हर बार पेपर तो लीक हो जाता है, कभी कोई चुनाव लीक नहीं होता, चुनाव समय पे होता, कोरोना आया, जाड़ा आया, हम लोग गांव से साइकिल से आके शहर में तैयारी की। लेकिन ये जनपद सीतापुर से लीक नहीं हुआ, अदर जनपद से हुआ, इस पर आप कहीं से हुआ, ये यूपी में हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार यूपी की है कि बाहर की है? यहाँ पाकिस्तानी है, यहाँ पे खालिस्तानी है, यहाँ पर के आतंकवादी की तालिबान है, ये यूपी के लोगों ने, इसमें जरूर किसी न किसी नेता का हाथ होगा। और हम लोगों पे ये मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ रहा है, जो जिस तरीके से पेपर 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 लीक होते चले रहे, तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही है, और डिप्रेशन में युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है, इस तरीके से पेपर लीक होंगे। इसलिए हमारी सरकार और प्रशासन से दरख्वास्त है कि इसको संज्ञान में लेते हुए जल्दी से जल्दी एक महीने में दूसरा पर्चा कराया लीक हो गया है। हम लोग इतने दिन से तैयारी करते चले आ रहे हैं, ये इन छोट अराजक तत्वों की वजह से उन विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है जो तैयारी करते चले आ रहे हैं। क्या सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारी जो है वो दिन पर दिन एज बढ़ती जा रही है, भविष्य अधर में लटका हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं कुछ अराजक तत्वों की वजह से? क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी ये पेपर जो हुआ है वो इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने कंडक्ट करा दिया जाए। लीक हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हमारा नाम विमलेश से लीक हुआ है, लेकिन पीएनपी का आदेश है कि पेपर निरस्त कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमें यह कहना है कि सरकार को इसकी पूर्व निर्धारित व्यवस्था करनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है। वहीं टीटी पेपर लीक मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी आगे आकर सफाई दी। टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और UPSTF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में STF ने प्रदेश भर में छापेमारी करने के बाद में प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई। परीक्षा की अगली तारीख क्या होगी, इस तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन क्या कुछ नए कदम उठाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24x7 लाइव। आप सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 के संबंध में परीक्षाएं दो पालियों में 10 से 12:30
तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है, और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें, हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों की को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो सुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी, तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त ये भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश UPSRTC के बसें में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है, उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी, और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी, अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से, जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक, जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी,